जयमल जन्मोत्सव का प्रसंग जेपीपी ग्रुप के सभी आचार्य भगवंतों को, साधु साधियों को, समणियों को मेरा वंदन नमस्कार, सुख प्रच्छा एवं सभी साधर्मिक बहन भाइयों को, श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। समणी प्रमुखा जी से जानकारी मिली इस महोत्सव के बारे में, तो इस अवसर पर मैं अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से तथा पूरे यूएई जैन संघ की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये हम विदेशों में रहने वाले श्रावकों के लिए एक विशेष रूप से सौभाग्य की बात है कि समणियां, और उसमें भी आज के कंटेक्स्ट में कहूं तो जेपीपी ग्रुप की समणियां विदेशों में भी पधार के और हम सबको धर्म से लाभान्वित करते रहते हैं और जयमल जी सा आदि आचार्यों के अवदानों के बारे में हमें जानकारी देते रहते हैं। अभी कुछ वर्षों पहले ही समणी प्रमुखा जी का यहाँ पर पर्युषण आराधना के लिए आगमन हुआ था, तो उस टाइम में हमें विशेष रूप से आचार्य जयमल जी के अवदानों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हुई। तो आज के इस महोत्सव के अवसर पर हम उनके जीवन की जो विशेषताएं हैं उनमें से कुछ विशेषताओं को अपने भीतर चरित्रार्थ करने का प्रयास करें तो ये महोत्सव मनाना सफल हो जाएगा। उनकी निद्रा विजय, उनका भूख विजय, आहार संयम, रसना विजय आदि की अगर बात करें और उनका साधर्मिक सौहार्द, आपसी में सौहार्द जो अन्य टोलों के प्रति भी था, तो ये सारी वस्तुएं जो है, और उनका उत्तम ब्रह्मचर्य का जो पालन करने का जो एक उदाहरण हमारे सामने है, शादी के बावजूद भी बाल ब्रह्मचारी में गिने जाने वाले थे, तो इनमें से कुछ चीज़ें भी अगर हम अपने जीवन में उतार सकें तो ये हमारे लिए एक आगे के विकास का बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। फिर से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता।